नहीं जा रहे वहाँ पर। तो आज मैं आया तो आज इन लोगों ने रक्त से मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके और अपनी मांगों से अवगत कराने की बात कही। तो इनको कहा गया कि भाई आप अपना रक्त मत दो, मेरा जितना चाहिए जितना रक्त ले लो। दूसरी बात क्या है कि शिवसेना का शुरू से ही आंदोलन करने की स्टाइल एक अलग रही है। ये क्या बड़ी बड़ी सरकारें शिवसेना के आंदोलन के सामने झुकी है, लेकिन अब यहाँ मैं दोहरी स्थिति में आकर के फंस गया हूँ। क्योंकि एक तरफ तो हमारे बच्चों का भविष्य है इनका सबका, 22 छात्राएँ हैं, 70 के करीबन बच्चे हैं जो अभी यहाँ पर अध्ययनरत हैं। इनकी मांग ये है कि जब इनको उस तरीके की नौकरी वानिकी विभाग में इनको ट्रेनिंग कराई जा रही है, इनको शिक्षा दी जा रही है और जो फॉरेस्ट विभाग में इनको पद दिए जाने चाहिए तो जो पास आउट करके उनको भी पद नहीं दे रहे और इनको और एजुकेशन के लिए ले रहे हैं। अब ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये तो समझते नहीं है भाई। आज यदि आप इनको फॉरेस्ट विभाग में नौकरी नहीं दे सकते तो आप इस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। क्यों बच्चों के साथ धोखा कर रहे हो? एक तरफ वसुंधरा जी कहती है कि मैं महिलाओं के लिए इतना करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े होल्डिंग्स और बड़े बड़े नारे लिख रहे हैं। इन बच्चियों का हाल देखा आपने? आज ये अपने ब्लड से जब रक्त से पत्र लिख रही थी वसुंधरा जी को तो 3-4 बच्चियाँ यहाँ पर मतलब इन्हें बेहोश हो गई। तो वसुंधरा जी की आखिरकार कब कुंभकर्णी नींद से ये जागेंगी? तो मैं इतना सा कहता हूँ शिवसेना की ओर से कि बच्चों को तो अलग छोड़ दिया जाएगा इस आंदोलन को। इन बच्चों की मांग को यदि नहीं माना गया तो वसुंधरा जी को आगे भी बता दिया और फिर बता देंगे। और इसका आंदोलन जयपुर में जाकर के मैं स्वयं अपने नेतृत्व में इसका आंदोलन करूंगा और उसके परिणामों की समस्त जिम्मेदारी वसुंधरा जी की स्वयं की होगी।